हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छी हूँ। आज हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं, और वो है राजू की। राजू इस दुनिया में एकदम अकेला था। माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, और वो अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश रहता था, और वो भी उससे बहुत प्यार करते थे। और वो किसी भी घर पर खाने के लिए चला जाता था। और फिर एक दिन वो नदी के किनारे उदास बैठा हुआ था, और टप टप आंसू बहाने लगा, और आसमान की ओर देखा तो उसे एक हाथी नजर आया, और उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। और हाथी जब नीचे उतरा, उसने बोला, राजू तुम क्यों रो रहे हो? राजू ने बोला, मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर चुके हैं, मेरी माँ तक नहीं है। तो हाथी ने कहा, ऐसा नहीं बोलते, आओ मैं तुम्हें परियों के देश ले चलता हूँ, परियों के देश की रानी तुम्हारी माँ ही है। तो फिर राजू कुछ देर सोचने लगा, तो उसने कहा, मुझे वहां पे क्या क्या मिलेगा? तो हाथी ने कहा, जो चाहो वो मिलेगा। और राजू ने कहा, टॉफी, नए नए कपड़े और चॉकलेट, बड़े बड़े गुब्बारे। तो हाथी ने कहा, हाँ वहां पे सब कुछ मिलेगा, पहले चलो। तो राजू ने हाँ कह दिया, और तो वो लोग चले गए। और हाथी उड़ रहा, और राजू ने पूछा, पर मैं वहां कैसे जाऊं? तुम तो उड़ सकते हो, मैं कैसे उड़ूंगा? तो हाथी ने बोला, जब मैं उड़ूंगा तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। तो हाथी धीरे धीरे उड़ने लगा, और राजू ने तभी उसकी पूंछ पकड़ ली। जाते समय ये पूछा राजू ने हाथी से कि वहां पे सच्ची में मेरी माँ मिलेंगी? सच्ची में वो मैं परियों की देश की रानी है? हाँ हाँ मिलेंगी, पहले चलो तुम। और राजू और हाथी परियों के देश पहुंच गए, और राजू ने बोला, कहाँ है मेरी माँ? और हाथी ने बोला, वो देखो, वो है तुम्हारी माँ, तुम्हें रोते देख उनने मुझे भेजा, वो भी रो रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और राजू ने तभी उन्हें गले लगाया, और उसकी माँ ने भी उसे बहुत गले लगाया, और कुछ देर तो प्यार किया, और कुछ दिन वहीं रुका, उसे नए नए कपड़े, खेलने के लिए खिलौने और बड़े बड़े गुब्बारे, नए नए कपड़े मिलते थे, उसे हर सुविधा मिलती थी। और एक दिन ऐसा आया कि राजू फिर से उदास बैठा। तो फिर उसकी माँ ने बोला, क्या हुआ बेटे, तुम आज फिर उदास क्यों हो? तुम्हें उदास देखे, मेरे चेहरे में भी उदासी आ रही। तो राजू ने कहा, मैं तो यहाँ पे खुश हूँ, पर मेरे दोस्त तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनकी याद आ रही। तो उस राजू की माँ ने उस हाथी को आदेश दिया कि वो जिस नदी के किनारे राजू को लाया था, वहां पे छोड़ जाए। और हाथी, राजू ने कहा, परसों तुम फिर आना, और मैं अपने दोस्तों को भी लाऊंगा। तो हाथी ने हाँ कह दिया, और वो नदी के किनारे फिर से वहां पहुंच गया। और उसके दोस्तों ने पूछा, तुम आ गए हो, ये तो अच्छा है, पर इतने दिनों से तुम कहाँ थे? राजू ने जवाब दिया, मैं परियों के देश में गया था, मेरी माँ परियों के देश की रानी थी। तो फिर
वो हाथी और एक दोस्त को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तो अच्छा तो मुझे भी तुम हम लोगों को भी साथ ले जाओगे? तो राजू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैंने हाथी से परसों आने की मांग की है। और परसों परसों वो हाथी फिर आया और सब लोग सब राजू ने फिर उसकी पूंछ पकड़ी और सब दोस्तों ने उसकी टांग पकड़ी। ऐसे एकाएक उसने सब दोस्तों ने अपनी टांग पकड़ी और बार बार राजू के दोस्त पूछते जा रहे थे, वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे बड़े बड़े कितने बड़े गुब्बारे होंगे। तो वो राजू बार बार बताता गया और वो यही भूल गया ऐसे बताते बताते कि वो हाथी की पूंछ पकड़ा है। और उसने हाथ फैलाए और हाथ हाथ से हाथी की पूंछ छूट गई और वो लोग गिर गए और हाथी फिर कभी नहीं आया। और वो माँ माँ पुकारते गए और जब वो लोग गिरे तो राजू की नींद खुल गई और उसने कहा, क्या मैं सपना देख रहा था? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मजा आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।